नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कर जब बिग बॉस 12 में आई थी तो उन्हें शो की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना गया। टीवी बहू का हिट रोल निभाकर पॉपुलर हुई दीपिका की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग रही है। वो शुरुआती दो हफ्तों में मजबूत शख्सियत बनकर उभरी, जिसके चलते ये कयास लगने लगे कि दीपिका सीजन 12 की विनर बन सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है, दीपिका कमजोर कंटेस्टेंट्स नजर आ रही हैं। दीपिका की गेम और स्ट्रेटजी काफी कमजोर पड़ने लगी है। वो टास्क में भी बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर रही है। लगता है जैसे उनका सारा ध्यान श्रीसंत के इर्द गिर्द घूमता है। विनर बनने की रेस में श्रीसंत और दीपिका प्रबल दावेदार देखे जा रही हैं, मगर सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड्स और फैंस के सपोर्ट के मद्देनजर भाई बहन की रेस में श्रीसंत आगे निकल गए हैं। एक नजर डालते हैं उन वजहों पर जिन्होंने दीपिका को गेम में कमजोर बनाया है। श्रीसंत की केयर टेकर बने दीपिका। शुरुआत से ही श्रीसंत और दीपिका के बीच कॉम्पिटिशन देखा जा रहा था। खुद श्रीसंत इस बात को दीपिका से कह चुके हैं कि फाइनल में आप और मैं साथ में खड़े होंगे। दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता बन गया है, हालांकि ये रिश्ता थोड़ा कंफ्यूजन भरा भी लगता है। दीपिका ज्यादातर शॉर्ट टेम्पर्ड श्रीसंत को मनाती और टैम्पर करती हुई दिखती हैं, यानी आधी एनर्जी उनका श्रीसंत का गुस्सा शांत करने में निकल जाती है। ये अहम वजह है दीपिका के गेम में कमजोर पड़ने की। एक्ट्रेस अपनी स्ट्रेटजी और गेम को लेकर फोकस्ड नहीं लग रही है। टास्क में जोश की कमी। दीपिका हर टास्क में परफॉर्म करती है लेकिन उनकी रणनीति कमजोर पड़ जाती है। साथ ही वो कम एग्रेसिव नजर आती है। शुरुआती हफ्ते में बीबी समुद्री लुटेरा इकलौता ऐसा टास्क था जो उन्होंने एग्रेशन और पूरे जोश के साथ खेला। वो कई टास्क में सुस्त नजर आती हैं। हिना खान जैसे जुनून की उनमें कहीं कमी सी दिखती है। कंफ्यूजिंग गेम। दीपिका का गेम क्लियर नहीं रहता। वो बिग बॉस हाउस में रिश्ते निभाने में बिजी हैं। कभी श्रीसंत के खिलाफ होती हैं तो कभी उनके साथ होती हैं। वो डिप्लोमेटिक हो रही हैं। घर में मेहमान बनकर आए विकास गुप्ता ने भी दीपिका को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपिका के गेम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गेम में इमोशनल होना। दीपिका को गेम में कई बार इमोशनल होते देखा गया। वो दूसरे घर वालों की बातों से इफेक्ट होकर इमोशनल हो जाती हैं। कई बार घर वाले भी कहते हैं कि वो इमोशनल कार्ड खेलती हैं। किचन पॉलिसी चलाना। शिल्पा शिंदे के सीजन 12 में जीतने के बाद सभी घर वालों को ये लगता है कि गेम जीतने के लिए किचन में पैठ जमाना जरूरी है। इस सीजन में दीपिका पर किचन ओवरटेक करने के आरोप लग रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि वो दिन भर बस किचन में रहती हैं, बाकी सदस्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। खैर, शिल्पा शिंदे भी कह चुकी हैं कि किचन में काम करके कोई विनर नहीं बन सकता। तो ये हैं वो वजहें जिसकी वजह से दीपिका लगातार कमजोर होती जा रही हैं बिग बॉस 12 में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।